Good morning. So today we are going to study table of 2. There are 3 techniques, even I have 4 technique also, to teach small kids in an easy way of table 2. 2 की table को कैसे easy तरीके में बोल के एवं लिख के छोटे बच्चों को पढ़ाया जा सके, इसके लिए हमारे पास 3 method है. इसके सिवा मैं 1 method आपको last में और बताऊंगी, ठीक है? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. फॉर 2 वी हैव फर्स्ट मैथड, दैट इज शेडिंग मैथड. ओके, इन शेडिंग मैथड आप जब 2 का टेबल पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को ये बताइए कि आपको हर चीज़ में काउंटिंग 2 बार करनी है, ठीक है? 1 एंड 2 लाइंस ड्रॉ करिए एंड काउंट करिए. हमको 2 का सेट, यानी एक सेट में 2 बार काउंट करना है, ठीक है? शेडिंग टेक्निक में क्या होता है, अगर आप 2 का टेबल पढ़ा रहे हैं तो आप हर सेकेंड नंबर को शेड करोगे, ठीक है? शेड करने के लिए आप अलग अलग कलर्स यूज़ कर सकते हैं. मैं क्रेयॉन्स का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? तो अपना 2 का टेबल है तो 2 में 1, 2 2 को शेड किया तो आपका डिजिट क्या आया, 2. ये वी विल राइट 2. ओके, सो 2 once 2, ठीक है? 2 multiplied by 1 इसकल टू 2. इसे हम 2 into 1 इसकल टू 2 भी कहते हैं, 2 ones are 2 भी कहते हैं. दोनों में से आपको जो सही लगे आप वो बोल सकते हो, ठीक है? जो हमने पढ़ा है छोटे में हम वही बता रहे हैं. फिर 2 multiplied by 2 या 2 into 2, 2 twos. अब आप 2 काउंटिंग और आगे बढ़े आइए, 1, 2 क्या आया अपना आंसर, 4. ओके, सो हियर वी विल राइट 4. सेम वे 2 multiplied by 3. ओके, अब हम थर्ड टाइम एक बार और आगे चलेंगे. सो 1, 2 आंसर इज 6. जस्ट राइट हियर 6. 2 into 4 अगेन 1, 2, 3 टाइम्स आप बढ़ गया, फोर्थ टाइम आगे बढ़ो 1, 2 द आंसर इज 8. राइट हियर 8. ओके ओके, 2 multiplied by 5, 2 fives आ अगेन 2 step, 1, 2 आंसर इज 10. यू राइट हियर 10. 2 sixes आ और 2 into 6 अगेन 1, 2 दो की काउंटिंग करिए और 2 कदम आगे बढ़िए, दैट इज 12. बच्चों को भी ऐसे ही समझाइए आप, दैट इज 12. 2 sevens आ और 2 multiplied by 7, 2 sevens, 1, 2 दैट इज 14. ओके, 2 multiplied by 8 अगेन 2 step, 1, 2 बच्चों को शेडिंग करने को कहिएगा, खुद मत करिएगा. वॉट इज दिस, 1, 6, 16. सो वॉट बिहेवियर वी विल राइट, 1, 6, 16. ठीक है, बच्चे से बोलिए भी कि बेटा देखो सही लिख रहे हैं कि नहीं, क्रॉस चेक करके दिखाइए, ठीक है? 16. अच्छा, बच्चों को सिखाने के लिए पहले आपको खुद करके उन्हें दिखाना पड़ेगा, ठीक है? आप सोचे कि बच्चे रट्टा मार लेंगे, तो रट्टा तो वो तब मारेंगे जब उन्हें समझ में आएगा, ठीक है? सो 2 nines आ और 2 multiplied by 9, 2 into 9s दैट इज 1, 2, 18. हियर वी विल राइट 18. ओके, नाउ लास्ट 1, 2 व्हाट इज देयर, 20. एंड हियर वी विल राइट 20. ये था आपका शेडिंग टेक्निक, ठीक? आपको हर सेकेंड नंबर को शेड करना है, या आप यूँ भी बता सकते हैं कि एक नंबर स्किप करते जाना. वी हैव टू स्किप 1 1 नंबर एंड
we have to shade every second number. First, second, shade. Every second number. Okay? ये तो हुआ आपका पहला तरीका. Now, second is shortcut method. ठीक है? यहाँ पे मैंने दो कॉलम्स बनाए हैं. ठीक है? टू की टेबल के लिए. तो आप पहले देखिए कॉलम में कितने नंबर हैं. हमें सब काउंट करिए. 1, 2, 3, 4, 5. देन 6, 7, 8, 9, 10. एंड 2 अप टू 10 हम पढ़ रहे हैं. ठीक है? सो जो पहला डिजिट अपना आ रहा है, तो देखिए 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8 एंड 2 5 10. तो जो पहला आएगा हमारा, इसमें 1 और सेकेंड नंबर में 2, ये दो हम लास्ट में ऐड करेंगे. ठीक है? तो यहाँ 8 में आपको 1 ऐड करना है. फिर सेम यही डिजिट आप सेकेंड उसमें लिखिए कॉलम में, और बच्चे को बोलना बेटा 6 के आगे ऐसे नंबर चेंज होंगे. नंबर पूरे वही रहते हैं, सिर्फ आप क्या करोगे, अब 1 आ गया है हमारे पास. ठीक है? 1 आया है ना, यहाँ 0 अकेले था तो उसके साथ हमने 1 ऐड कर दिया, तो 10 बन गया. अब ये 1 को हम इस कॉलम में एंटर कराएंगे. 1, तो ये 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है? 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा 12, और यहाँ पे 2 6 ज़ा 12 है. ठीक है? नाउ 2 7 ज़ा 14. यहाँ सब में 1 ऐड कर दीजिए आप. ठीक? 2 7 ज़ा 14. 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 16. हियर इज 16. 2 9 ज़ा 18. एंड यहाँ पे 1 था, अब हम सेकेंड 0 में 2 ऐड करेंगे, दैट इज़ 20. और आपको यहाँ पे आंसर मिल गया 20. ठीक है? बच्चे को आपको ये ट्रिक सिखाना पड़ेगा कि पहला कॉलम 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी सिर्फ इतने एरिया को कवर करेगा. ठीक है? और जो सेकेंड कॉलम है वो 6 से 10 तक को कवर करेगा. ठीक? ये आपका हो गया फर्स्ट, ये आपका हो गया सेकेंड. अब आपको जो थर्ड आता है, थर्ड ये बेसिक ट्रेडिशनल मेथड है, जो स्कूल्स में छोटे बच्चों को इसी मेथड से पढ़ाया जाता है, रट्टा ना लगवाते हुए समझाया जाता है. ठीक है? सो 2 मल्टीप्लाइड 1, यानी 2 को 1 बार ही ऐड करना है, तो यहाँ पे 2 ही रहेगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 2. ठीक? 2 इंटू 2, यानी 2 को 2 बार काउंट करना है. अब काउंट भी करके दिखाना है. ठीक है? 2 यहाँ 1 टाइम था, यहाँ एक बार 2 की दो लाइन खींचिए, प्लस अब 2 की लाइन और खींचिए, और बच्चे से कहिए इन्हें काउंट करें. अगर वो एडिशन नहीं कर पा रहे हैं तो काउंटिंग तो कर सकते हैं, कराइए. 1, 2, 3, 4. आंसर इज 4. अगेन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3. 2 3 ज़ा, अब हर 2 के नीचे आप 2 लाइनें खींचिए. ठीक है? अब उनसे कहिए इन्हें ऐड करो. ये 3 टाइम्स क्यों लिखा है, क्योंकि हम 2 3 ज़ा कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर रहे हैं. काउंट करिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6. द आंसर इज 6. अब फिर आप लिखिए 2 इंटू 4. ये आप लिख के प्रिपेयर करके दीजिए एटलीस्ट 5-6 बार, उसके बाद बच्चे अपने आप करने लगेगा. ठीक है? और यहाँ पे आप डैश करिए ताकि उसे पता चले कि यहाँ पे रिजल्ट लिखना है. ठीक है? 2 4 ज़ा 1 2 3 4. यहाँ जितने टाइम्स लिखा है आपको 2 उतने टाइम ड्रॉ करना है. ये बच्चे को समझाइए आप. ठीक है? कि 2 इतने बार ऐड हो रहा है बेटा, इसलिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 लिखा गया है. ठीक है? जितने टाइम एडिशन किया जाता है एक्चुअली उसी को आप यहाँ पे इंटू 4 लिखते हैं, यानी हम इतने बार 2 को काउंट कर रहे हैं. ठीक? इनके नीचे लाइंस खींचिए. अब बच्चे से कहिए काउंट करें. ठीक है? एडिशन का साइन दीजिएगा, यहाँ पे आपका एडिशन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा. नाउ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. राइट हियर 8. ठीक? इसी तरह आपको ये टेबल अप टू 10 तक बच्चे को समझाते हुए करनी है. ठीक है? ये हो गया आपका थर्ड टेक्निक. अब मेरे पास एक तरीका और है. लॉकडाउन का टाइम है,
लोगों के पास चीज़ें हैं नहीं हैं, तो जनरली बच्चों को तो उनकी मम्मियाँ ही पढ़ा रही हैं, तो आप अपनी ये बिंदियों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, काउंटिंग कराने में। अगर आपके पास ये भी नहीं है, सबके घर में ये अवेलेबल होते हैं, ठीक है, गेम्स के, आप इनसे भी उन्हें काउंटिंग का तरीका बता सकते हैं कैसे। देखिए मैं बता रही हूँ, टू का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा। टू इंटू टू बोला है आपने, ठीक है, तो पहले आप दो कंप्लीट करके ऑब्जेक्ट दीजिए, ठीक है, यानी टू को एक बार काउंट करना। देखिए बच्चा एडिशन भी समझेगा यहाँ पे, ठीक है, तो टू वन ज़ार टू, ठीक। अब टू टूस या टू मल्टीप्लाई बाय टू और टू टू ज़ार टू, सॉरी टू टू ज़ार पढ़ना है हमें, तो टू प्लस टू, इसमें दो और ऐड कर रहे हैं, आप उसे दिखाइए बेटा, देखो हमने दो और ऐड कर दिए। जब दो में टू में टू ऐड होते हैं तो आंसर आता है 1, 2, 3, 4, आंसर इज 4। इससे बहुत जल्दी बच्चा समझेगा, ठीक है। अब इसी तरह 3 का करिए, आप 2 का सेट ऐड करें क्योंकि 2 का 2 का टेबल चल रहा है, अगर आप 3 का सेट कराएंगे तो 3 ऐड करोगे, ठीक है, बच्चों को वीडियो दिखा के भी समझा सकते हैं। अगेन प्लस 2 मोर, दैट इज 1, 2, काउंट करो बेटा, नाउ काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, आंसर इज 6, ठीक। अगेन 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है, 3 बार किया है अभी क्योंकि 3 चला था। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप नंबर बोलिए, बिल्कुल हिचकिए नहीं कि हम इंग्लिश मीडियम हैं और हिंदी मीडियम है। आज का जो सिनेरियो चल रहा है, इस टाइम हिंदी इंग्लिश दोनों की नॉलेज चाहिए और ज़रूरी भी है, ठीक है। अगेन ऐड 2 मोर, नाउ काउंट इट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आंसर इज 8। बच्चे को ये भी बताओ कि बेटा देखो 4 बार किया है, अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो ऐसे दिखाइए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, हम जितने का टेबल पढ़ाते जाएंगे हम उतनी बार रखेंगे, बच्चे को इससे समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ें जुड़ती हैं, ऐड होती हैं, ठीक है, इसलिए टेबल बढ़ता जाता है, ठीक। अब ये तो हो गए आपके ऑब्जेक्ट्स, अब आप कहोगे स्टिक्स। अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी 2, 3 ज़ा 1, 2, एक सेट 2 का एक सेट है, फिर 2 का एक सेट और बनाइए, इसी तरह से 2 का एक सेट बच्चे को एक और सेट दिखाइए, ठीक है। काउंटिंग करेक्शन भी करना हो तो आप काउंटिंग यूँ कर सकते, देखो 1 सेट 2 सेट एंड 3 सेट, क्योंकि यहाँ पे 3 है, ठीक है। सेम वे 2, 2 ज़ा था, 2 बार 2 का टेबल में बिंदी लगाइएगा, 2 बार, 2, 2 का टेबल में आपने 2 काउंटिंग करी, 3 में आपने 3 बार रखा, 2, 1 ज़ा में 1 टाइम रखा, टाइम में 2, 4 ज़ा 8, 1, 2, 3, 4 सेट्स ऑफ 2, ओके, 4 सेट्स ऑफ 2 आर देयर। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2, 2, 2 ज़ा 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3 ज़ा 6, हमने 3 लिखा है इसलिए 3 बार 2 के सेट लगाए हैं। काउंट करवाइए बच्चे से, बोलिए काउंट करो बच्चे, और साथ में खुद भी करिए। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4 ज़ा 8, 4 बार आपको मल्टीप्लाइड करना है, इसलिए बच्चे को बार बार समझाना, हर बार समझाना है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, हमने 2 बिंदियों का सेट 4 बार लगाया है क्योंकि अपनी काउंटिंग 4 टाइम्स है। अब इन्हें काउंट करो बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आंसर इज 8। इन द सेम वे यू हैव टू कीप कंटिन्यूइंग एंड स्टिकिंग दिस बिंदीज टू 10 टाइम्स, ओके, क्योंकि आप बच्चे को इस क्रिएटिव तरीके से बता रहे हो। अगर इससे नहीं तो आपको मैंने ऑब्जेक्ट्स भी बताए हैं, ठीक है, आप ऑब्जेक्ट्स से भी बता सकते हो, अब ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको कलरफुल बिंदीज चाहिए तो आप कलरफुल बिंदियों से बताइए, ये लॉकडाउन पीरियड है, ठीक है, तो आपके पास जो संभव तरीका है आपको वो ट्राई करना है।
you very much for watching this video. These are the four ways and tricks through which you can teach your kids and students in an easy way multiplication table. आप इसी तरीके से 2, 3, 4 कितनी भी चाहे टेबल बच्चे को सिखा सकते हैं. मैं आपको कहूँगी आप बच्चे को इन चारों तरीके से पढ़ाइए, क्योंकि अभी वो उसकी बेसिक तैयार हो रही है और जितनी क्लियर रहेगी उतना अच्छा रहेगा. आप उसको फर्स्ट शेडिंग मेथड भी बताइए, सेकंड आप उसको शॉर्टकट मेथड भी बताइए, थर्ड आप उसे एडिशन भी बताइए, फोर्थ आप उसे ऑब्जेक्ट्स से भी बताइए. ठीक है, लॉकडाउन पीरियड है, अगर आपके पास ये गेम्स ऑब्जेक्ट्स नहीं है, अपने घर में बिंदिया यूज़ कीजिए, माचिस की तिलियां, मैच स्टिक यूज़ कीजिए, स्टोन्स छोटे छोटे स्टोन अगर आपके गमले में है जो बच्चा हर्ट ना हो, जिससे उन्हें काउंटिंग में हेल्प लेके करिए. ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं. पेड़ की पत्तियाँ, लीव्स, आप लीव्स से भी काउंटिंग करा सकें. तोड़िए मत, एक ले लीजिए डंडियाँ, उसमें काउंट करके बताइए. नंबर ऑफ आइडियाज आर देयर. अब ये है कि आप क्या अप्लाई करना चाहते हैं. ये चार मुझे बेस्ट तरीके लगे जो आप एक टेबल में बच्चे को बैठा के पढ़ा सकते हो. सो नेक्स्ट वीडियो मैं एडिशन पे बनाऊंगी. अगर आपको ये मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और नेक्स्ट वीडियो मेरा एडिशन पे ज़रूर देखिएगा. लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू वेरी मच. बाय.